पहुंच गए हम। हम आपको वो लोकेशन दिखाते हैं कि वो लोकेशन क्या है। लगभग ये 100 ईयर्स हो गया है इस पेड़ को, यहाँ के लोग के इतना अच्छा लोकेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत अलग ही है, और ये जो हमारा वीडियो बहुत डिफरेंट है। दोस्तों हम अभी आपको वीडियो दिखाते हैं, और जो हम वीडियो बनाने वाले हैं हम अभी आपको दिखाएंगे, और आप उस वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए। और वीडियो में जो भी चीज़ आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं हमको। और अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। ओके दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बोला, एक खूबसूरत लोकेशन पे हम हैं, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का लोकेशन है, और कितना अच्छा यहाँ पार्क वगैरह बनाया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो आपको पेड़ दिख रहा है बरगद का, काफ़ी पुराना पेड़ है, लगभग ये 100 ईयर्स हो गया है इस पेड़ को। यहाँ के लोग किससे जैसे मैं जानकारी ली उन्होंने बताया, और ये पार्क बनाया है खेलने के लिए, बच्चों के लिए फुटबॉल वगैरह यहाँ खेलते हैं, क्योंकि यहाँ फुटबॉल को बहुत मोर्सेस में लाइक ले लेते हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, जैसे अपने इंडिया में बैट बॉल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं कितना अच्छा पार्क यहाँ पर है, और कुछ लोग यहाँ पार्क में बैठे हैं। तो हम आपको पास से दिखाते हैं, पीछे का एक नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों, जिसके पीछे एक पहाड़ भी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको ये देख सकते हैं पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है, थोड़ा एक सामने घर आ रहा है, आपको दिखाता हूँ। वहाँ का लुक सारा बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। दोस्तों बोला आपको तो अच्छे लोकेशन पे लेके जा रहे हैं, तो अभी उसकी दूरी पे है, तो हम अगर वहाँ जा रहे हैं तब तक आप रास्ते में जो भी है मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैग वगैरह का शोरूम है और दुकान। तो दोस्तों मैंने बोला पीछे इधर बैग का दुकान है, देखिए बैग का बड़ा सा शोरूम है, आप देख सकते हैं। और इस लोकेशन पर जा रहे हैं, आप बने रहिए, देखते रहिए, बहुत से यहाँ आप आके यहाँ पे जगह पे सामान वगैरह सैंडल वगैरह जो भी है आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा मार्केट है। और हम अभी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं लोग यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आ भी रहे हैं, एक से एक यहाँ पे शर्ट वगैरह लेडीज़ का मिलता है। और दोस्तों आप कभी भी अगर इधर यहाँ घूमने आते हैं साइड से, तो आपको यहाँ से, सॉरी दोस्तों मैंने एड्रेस का नाम ही नहीं बोला, ये एड्रेस कहाँ का है और मैं वीडियो कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। दोस्तों ये मोर्सेस में एक जगह है प्लेन बैथ में हम हैं यहाँ पे, और प्लेन बैथ जो है बहुत अच्छी जगह है लोकेशन, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप लहंगा वगैरह भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा लहंगा यहाँ मिलता है। और जब भी आप इधर इधर मोर्सेस में आते हैं तो कभी भी आके यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिलते हैं, ये ग्लास वगैरह सब कुछ है जो आप देख सकते हैं, ये बुके है, फ्लावर वगैरह है। आप जब भी अगर कभी इधर घूमने आते हैं प्लेन वर्थिक, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर कोई आदमी बाहर से इंडिया से यहाँ घूमने के लिए आया है तो आके यहाँ से भी चूज़ कर सकता है, ले सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे अच्छे सैंडल वगैरह रखे हुए हैं, लोकेशन पर हम पहुँचने वाले हैं, तो बड़ी बात है यहाँ पे तक सभी वीडियो है, और हर एक कंट्री का हर एक लैंग्वेज में इधर देखिए आप हिंदी फिल्म का वीडियो है, परिवार जो भी है, लता मंगेशकर गाने जो भी है सब
भोजपुरी से लेके इंग्लिश सभी यहाँ मिलेंगे आपको। मैंने बात किया था बहुत गए हैं और हम आपको स्टेशन दिखाते हैं यहाँ का सबसे अच्छा खूबसूरत स्टेशन है। मतलब सब वीडियो में बने रहिए, यहाँ का सबसे अच्छा प्लेन पर सबसे अच्छा खूबसूरत स्टेशन जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वही है, क्योंकि इतना अच्छा लोकेशन भी आपको शायद और कहीं हो सकता है लेकिन मेरे को नहीं पता है, लेकिन इस जगह का जो लोकेशन है बहुत अच्छा है। अभी हम आपको लोकेशन पहुँच गए हैं, बाकी हमारे साथ आप बने रहें काफ़ी वीडियो में। तो बस स्टॉप है, हम अभी बस स्टॉप पे हैं, यहाँ का ये बड़ा सा बस स्टॉप है। दोस्तों पहले आप यहाँ का एक खूबसूरत नज़ारा देख लीजिए, जो ट्रेन का मेन जो जगह है वहाँ का एक खूबसूरत नज़ारा देख लीजिए। तो है ना कितना खूबसूरत नज़ारा, अगर आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि यहाँ की कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था उस लोकेशन में पहुँच गए हम। आपको वो लोकेशन दिखाते हैं कि वो लोकेशन क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, ये वो लोकेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे प्लेन बैथ में। ये मेरी नज़र में आई थिंक किसी और की नज़र में हो या ना हो, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहे पिजन दिखाई दे रहे हैं कबूतर, जो यहाँ बहुत सारे कबूतर है। तो लोग यहाँ पे सुबह या शाम को आते हैं, दाना वगैरह डालते हैं और इन लोग को खिलाते हैं। तो मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी लोकेशन है, क्योंकि एक आदमी को हम खाना खिला देते हैं क्योंकि वो मांगता है, लेकिन ये जो चिड़िया है, जो पशु पक्षी हैं दोस्तों, उनको कोई नहीं पूछता है कि हाँ ये खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन एक आदमी एक लोकेशन पे आके दिखाता है तो अच्छा है। तो वही दोस्तों बोल रहे हैं, एक आदमी को कोई पूछता तो खाना खिलाता, लेकिन पशु पक्षी को कोई मांग नहीं सकते, फिर भी देख उनको लोग को खाना खिलाते हैं। तो मेरी नज़र में बहुत अच्छी लोकेशन है दोस्तों, बाकी कमेंट करके आप बताइए आपकी नज़र में ये कैसा लोकेशन है, क्योंकि ये जो जगह है मेरी नज़र बहुत अच्छी जगह है। आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखाता हूँ, बहुत सारे कबूतर यहाँ बैठे हुए हैं। और ये जो प्लेन बर्थ है यहाँ का सबसे अच्छा लोकेशन हमको ये लगता है, क्योंकि मैं जब भी यहाँ मोरसस का एक मेन सिटी है पोर्टिस, जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो इस नज़ारे को देखता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना टेक केयर, ख्याल रखिएगा।